नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिजिटेलिस होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। तो आइए समझते हैं। एलोपैथिक मत के अनुसार डिजिटेलिस का प्रभाव शरीर के संकोचन सिस्टोल तथा विमोचन डायस्टोल के गति को बल देकर हृदय की मांसपेशी को ताकत देना है। उनके मत से डिजिटेलिस हृदय को टोन देता है, हृदय का टॉनिक है। होम्योपैथी मत के अनुसार टॉनिक नाम की कोई चीज नहीं है। संपूर्ण शरीर को जो वस्तु स्वस्थ कर दे वही टॉनिक है, और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की रचना पर भिन्न भिन्न औषधियों का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति की धातुगत औषधि फॉस्फोरस हो सकती है, किसी की सल्फर, किसी की कैल्केरिया कार्ब। जिस व्यक्ति की जो धातुगत औषधि होगी वही उसके लिए टॉनिक होगी। डिजिटेलिस का मुख्य लक्षण अत्यंत धीमी नाड़ी का होना है। कभी कभी नाड़ी 48 स्पंदन तक चली जाती है। अत्यंत धीमी का यह अर्थ नहीं है कि जिस समय चिकित्सक रोगी का निरीक्षण कर रहा है उसी समय नाड़ी अत्यंत धीमी हो। इस समय नाड़ी बिजली की तरह तेज हो सकती है, परंतु रोग के प्रारंभिक अवस्था में नाड़ी की क्या हालत थी यह जानना आवश्यक है। डिजिटेलिस के रोगी की नाड़ी शुरू शुरू में जब वह बीमार पड़ा अत्यंत मंद हो जाती है। डिजिटेलिस देने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि क्या शुरू के रोग में, अर्थात जब रोग शुरू हुआ था तब उसकी हालत क्या थी। क्या उस समय नाड़ी शुरू में 48 या उसके आसपास चल रही थी। अगर ऐसा है तो यह रोगी डिजिटेलिस का रोगी है, परंतु अगर शुरू में नाड़ी तेज थी तब यह रोगी इस दवा का नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इस औषधि की नाड़ी शुरू में ही मंद होती है और कई दिनों तक मंद रहती है। अंत में प्रतिक्रिया के रूप में हृदय अनियमित चाल से चलने लगता है। एलोपैथी में डिजिटेलिस तब देते हैं जब नाड़ी बहुत तेज चलने लगती है ताकि उसे धीमा किया जा सके। होम्योपैथ डिजिटेलिस तब देते हैं जब नाड़ी अत्यंत मंद गति से चल रही हो। एलोपैथी में इस औषधि की कुछ बूंद अत्यंत तेज गति से चल रहे हृदय को शांत करने के लिए दिया जाता है। होम्योपैथी में जब हृदय की अत्यंत मंद गति हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हृदय की तीव्र गति है तब भी इसके प्रयोग के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि क्या शुरू शुरू में हृदय की अत्यंत मंद गति था या नहीं था। इसलिए हमने कहा कि इसका मुख्य लक्षण नाड़ी की अत्यंत धीमा होना होता है। आगे के लक्षण देखिएगा तो तीसरा, पांचवा, सातवां स्पंदन छोड़कर नाड़ी का चलना। जब नाड़ी धीमी चलती है तब तो इस औषधि का क्षेत्र है ही, परंतु जब कभी तेज कभी धीमी चले तब बीच बीच में अनियमित चलने लगे कभी कभी, तीसरा, पांचवा, सातवां स्पंदन छोड़ दे, इस अनियमित स्पंदन की हालत में भी इस दवा को स्मरण करना चाहिए और इसमें भी यह लाभ दे देता है। आगे देखें तो मंद गति के साथ नाड़ी का गति तो मंद है, साथ में पेट में कलेजा बैठने सा अनुभव। इस रोगी के नाड़ी की गति इतनी मंद पड़ जाती है कि कभी कभी 40 स्पंदन तक चले जाती है। रोगी को पेट में कलेजा बैठने सा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होता है कि बस अब गए तब गए। खाने से भी पेट में आराम नहीं मिलता। बेहोशी, बेचैनी, असमर्थता, अत्यंत क्षीणता अर्थात कमजोरी, बलहीनता का अनुभव पेट में होता है। ऐसे लक्षण में भी डिजिटेलिस लाभ देता है। किसी शोक का रोगी के हृदय पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, अर्थात दुख का, कि रोगी ऐसा अनुभव करता है कि हृदय की गति समाप्त हो गई है, हृदय ठहर गया है, हृदय में फड़कन होती है। जरा सा भी परिश्रम से हृदय पर जोर पड़ता अनुभव होता है। हरकत से हृदय की धड़कन और घबराहट बढ़ जाती है। रोगी की नाड़ी 40 तक पहुंच जाती है और अगर वह करवट भी बदलता है तो नाड़ी फड़कने लगती है, उसकी गति तेज हो जाती है। सारे शरीर में नाड़ी की थिरकन अनुभव होने लगती है, खासकर परिश्रम करने पर, कुछ काम करने पर। ऐसे लक्षण में डिजिटेलिस बहुत उपयोगी साबित होता है। हृदय रोग के कारण अगर पीलिया की बीमारी हो तब भी डिजिटेलिस का प्रयोग किया जाता है। पीलिया रोग के दो कारण हो सकते हैं, एक तो जिगर की खराबी से और दूसरा हृदय अर्थात कार्डियक बीमारी के साथ। जब हृदय रोग के कारण क्षय होने लगे, रोगी का सारा शरीर पीला पड़ने लगे, आंख की स्वेतिमा जो सफेदी है वह सोने की तरह पीला पड़ जाए, नाखून पीले होने लगे, मल का रंग जो है वह बदल जाए, बिल्कुल सफेद की तरह होने लगे, पेशाब बियर के रंग का होने लगे, नाड़ी की गति अत्यंत मंद पड़ जाए, 40 तक चली जाए, तब समझ लेना चाहिए कि रोग का जो है वो हृदय गति मंद के कारण हुआ है और उसमें इसको रोगी को डिजिटेलिस देने की आवश्यकता है और इससे लाभ जरूर मिल जाता है।
आगे का लक्षण देखें तो हृदय की कमजोरी के कारण रोगी चलते फिरते ऊंचाई पर चढ़ते समय हांफने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर नैस ने एक रोगी का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक दिन एक हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी सड़क पार करके अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। वह चलते हुए डगमगा रहा था। उन्होंने समझा कि शायद यह शराब पिए हुए है, परंतु निकट से देखने पर पता चला कि उसका चेहरा होंठ नीले पड़ गए हैं। उसे सहारा देकर उन्होंने कमरे के अंदर बिठा लिया। कुछ मिनट तक तो बेचारा बैठा हांफता रहा है, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी नाड़ी बड़ी अनियमित चल रही थी, बीच बीच में एक स्पंदन गायब हो जाता था। कुछ देर दम लेने के बाद वह कहने लगा कि कई बार उसे इस प्रकार का सांस लेने में कठिनाई होती है। वह चलते चलते रास्ते में दम लेने के लिए बैठ जाया करता है। डॉक्टर नैस ने उसकी नाड़ी की मंद गति को देखकर डिजिटेलिस दो शक्ति की कुछ बूंदे पानी में डालकर पिला दी। कुछ दिन बाद देखने को आया कि वह फावड़ा लेकर अपने घर के सामने की बर्फ को साफ कर रहा था। डॉक्टर नैस ने यह देखकर पूछने लगा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उस दवा को लेने के बाद उसके सांस जो लेने के दौरे पड़ते थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए और हृदय की जो बीमारी थी वो भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। आगे देखते हैं। हृदय की बीमारी में सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। रोगी हर समय गहरा सांस लेने का प्रयत्न करता है। जब वह सोने लगता है तब उसे ऐसा प्रतीत होता है कि सांस रुक गया। वह गहरा सांस भरकर उठ बैठता है। लेकेसिस, फास्फोरस और कार्वोवेज में भी ऐसा लक्षण है। रोगी स्वप्न में देखता है कि वह नीचे गिर रहा है। निद्रा के समय मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है और अगर हृदय कमजोर हो, नाड़ी मंद हो, तो सिर में पर्याप्त रुधिर ना पहुंचने के कारण रोगी सोते से चौंक उठता है। भयानक स्वप्न आते हैं, अंगों का स्फुरन होता है, जागते हुए भी शरीर में बिजली के शॉक जैसे लगते हैं, सोते समय भी लग सकते हैं, बेहोशी आती है, कमजोरी आती है और ऐसे लक्षण में डिजिटेलिस बहुत लाभ पहुंचाता है। डिजिटेलिस के कुछ अन्य लक्षण को समझ लेते हैं कि रोगी इतना दुर्बल अर्थात कमजोर होता है कि जरा सा भी हिलने डुलने से उसे ऐसा लगता है कि हृदय की क्रिया बंद हो जाएगी। जेलसीमियम का रोगी अगर हिले डुले नहीं तो उसे ऐसा लगता है कि हृदय की क्रिया बंद हो जाएगी, यानी वो हिलना डुलना चाहेगा जेलसीमियम का। अगर स्थिर बैठा रहेगा तो उसे लगेगा कि हृदय की गति बंद हो जाएगी, जबकि डिजिटेलिस में अगर वह हिलता डुलता है तो उसे ऐसा लगता है कि हृदय की क्रिया बंद हो जाएगी। एक लक्षण है, डॉक्टर कैंट कहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की यह बहुत अमूल्य औषधि है। उनका कहना है कि अगर डिजिटेलिस का उन्हें पता नहीं होता, ज्ञात ना होता, तो वो नहीं जानते थे कि प्रोस्टेट के रोगियों का इलाज वो कैसे करें, तो वो उन्हें डिजिटेलिस होम्योपैथिक दवा दिया करते थे और जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड पूरी तरह से ठीक हो जाया करता था। तो यह प्रोस्टेट ग्लैंड की भी बहुत अच्छी दवा है। हृदय की दुर्बलता के साथ अगर खांसी आ रही हो तब भी यह औषधि उपयुक्त है। हृदय रोग के कारण पांव आदि में सूजन, सोत, पांव अगर फूल जाए तब भी यह दवा लाभप्रद है। डिजिटेलिन स्वप्न दोष की एक बहुत अच्छी दवा है और डिजिटेलिन डिजिटेलिस का ही एक क्षार है, तो अर्थात स्वप्न दोष में भी डिजिटेलिस बहुत अच्छा काम करता है। शक्ति की बात करें तो मूल अर्क में ही इसे ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। मदर टिंचर में 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर आप दिन में 3 बार पिए और जैसा मैंने समस्त लक्षण बताया है उसमें भी बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। वैसे 330 या 200 शक्ति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर अधिकतर इसका इस्तेमाल मदर टिंचर में किया जाता है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।